नमस्कार दोस्तों, अगर हम किसी मरीज का ऑपरेशन करवाते हैं, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो मरीज है उसका माइंड बिल्कुल सेट कर देना है, ताकि वो अपने दिमाग में पॉजिटिव बातें सोचे कि अच्छा ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। ये मैं सोचे कि ऑपरेशन खराब हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे को डॉक्टर ने गलत तरीके से ऑपरेट किया तो क्या होगा, ये बातें उसके दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अगर ये बातें उसके दिमाग में घूमती रहेंगी तो ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा, तो इससे परेशानी बढ़ सकती है और मरीज की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इन बातों का बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि उसको अंदर से पॉजिटिविटी बना के रखनी होगी। नंबर दूसरा, जैसे अगर मरीज जाता है तो उसको बिल्कुल ढीले ढाले वस्त्र पहनने हैं ऑपरेशन के वक्त, और इसके बाद आपने बिल्कुल भी सुबह से खाली पेट रहना है। जैसे रात का खा लिया तो सुबह पेट साफ हो गया, और उसके बाद पानी तक नहीं पीना, बिल्कुल भी कोई पानी नहीं पीना होता, बिल्कुल आपने खाली पेट जाना है। इसके अलावा जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो उस वक्त जो डॉक्टर है मरीज को के लिए वहाँ पे चूज होने वाली दवाइयों लिख के देते हैं कि ये दवाइयों की पर्ची है, सामने वाली शॉप से लेके आओ। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो पर्ची डॉक्टर लिख के दे रहा है, कि वही की वही सेम दवाई किसी दूसरी की शॉप से भी ट्राई करके देख लेनी है कि वहां से सस्ते तो नहीं मिल रही सेम कंडीशन की, क्योंकि इनके आपस में क्या कहते हैं, दुकान वाले से टाइप होते हैं कि जो दवाई हमें सेम चीज ज्यादा प्रिंट में भी होती है। जैसे कोई सी दवाई का प्रिंट हमें एक का 400 रुपए है किसी पत्ते के ऊपर लिखा हुआ है, और सेम वही की वही दवाई हमें 50 रुपए 60 70 रुपए मिल रही है, तो इस चीज के बारे में कंपेयर कर लेना चाहिए। सेम दवाई होती है, हम अगर दूसरी शॉप से ले जाते हैं तो वो भी चल जाती है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो इसके अलावा आपने, और मरीज को जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसको वहां पे बेड पे लिटाया जाता है, तो उस वक्त डॉक्टर कभी कोई डॉक्टर क्या करते हैं कि उनको लिटा देते हैं और उनको पेशाब वाली जो नली है वो बिल्कुल नहीं लगाते। तो कोई तो आपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करनी है कि इसके टांके हिल सकते हैं, खुल सकते हैं, इसको उठने आने जाने में दिक्कत हो सकती है, तो आप इनको एक पेशाब वाली जो नली है जिससे कि यूरिन पास होता रहता है वो लगवा लेनी चाहिए। उसके एक साथ में थैली लग जाती है, बहुत इजी होती है, डॉक्टर लगा देते रहे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए और नए नए आइडियाज जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।